हेलो माय लवली बेकर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे हाफ के जी के टिन में, मतलब कि 6 इंच के टिन में केक को स्पॉन्ज किया है, और ये 160 ग्राम प्रीमिक्स से मैंने स्पॉन्ज को तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, आज हम जो केक बनाने जा रहे हैं, ये आप एनिवर्सरी या फिर बर्थडे के लिए इसे तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम लोग इस स्पॉन्ज को 3 लेयर में कट कर लेंगे। अब इसे हम क्रम कोटिंग कर लेंगे। इसके लिए हम बेस लेंगे। अब हम क्रीम को पाइपिंग बैग में फिल कर लेंगे, और फ्रेंड्स, हम बेस में थोड़ा सा क्रीम लगा लेंगे जिससे कि केक अच्छे से सेट हो जाए और अपने प्लेस से ना हिले। और सबसे ऊपर वाले केक पोर्शन को हम रखेंगे नीचे, जिससे कि ये थोड़ा सा अनइक्वल रहता है तो ये नीचे सेट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम इसकी लेयरिंग करेंगे। मैंने इसमें पाइपिंग बैग का यूज़ किया है, इससे ना क्रीम चारों ओर इक्वल पार्ट में लगता है और काम बहुत ही जल्दी हो जाता है। फ्रेंड्स, इसी तरह से हम केक को अच्छे से सेट कर लेंगे, और ऊपर से थोड़ा सा मैं डालूँगी चॉकलेट क्रश करके, और इसमें ऐड करेंगे स्ट्रॉबेरी क्रश। फ्रेंड्स, और इसी तरह से हम तीनों लेयर को सेट कर लेंगे। तीनों लेयर को सेट कर लेने के बाद 15 से 10 मिनट के लिए हम केक को रखेंगे सेट होने के लिए, और इसके बाद हम इसकी फाइनल फिनिशिंग करेंगे। फ्रेंड्स, 10 से 15 मिनट हो जाने के बाद मैंने उसी पाइपिंग बैग में क्रीम को फिल कर लिया है। अब हम इसकी फाइनल फिनिशिंग करेंगे। फ्रेंड्स, अब मैं इस तरह से घुमाते हुए एक डिज़ाइन बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, इस तरह से हम एक डिज़ाइन बना लेंगे। ये सिंपल और बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम इस तरह से डिज़ाइन को तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इसे प्लेन भी रख सकते हैं, या फिर कोम वाले स्केपर से भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं ये जो केक बना रही हूँ, इसमें ट्री का डिज़ाइन दूंगी। तो ट्री का डिज़ाइन देने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है चॉकलेट गनाज। फ्रेंड्स, चॉकलेट गनाज को मैंने क्रीम में फिल कर दिया है, और अब इसमें इस तरह से हम पेड़ का शेप दे देंगे, और पतले वाले नोजल से हम इस तरह से इसकी डालियाँ तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने पाइपिंग बैग को थोड़ा सा कट करके इस तरह से इसका नोजल तैयार कर लिया है। अब एक ब्रश की हेल्प से इस तरह से मैं यहाँ पे रफ डिजाइन दे दूंगी, ताकि ये एक पेड़ का शेप लगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पेड़ का ये जो सिंपल सा ढांचा तैयार कर लिया। अब हम फ्रेंड्स, कैलेंडर तैयार करने के लिए मैं यहाँ पे फॉन्डेंट को इस तरह से बॉक्स शेप में, स्क्वायर शेप में अच्छे से काट लिया है। अब इसे थोड़ा सा अच्छे से शेप दे देंगे चारों तरफ से। कैलेंडर को फिनिशिंग देने के लिए मैं यहाँ पे थोड़े थोड़े इक्वल पार्ट में इस तरह से थोड़े से कट लगाऊंगी, ताकि ये थोड़ा सा ऊपर इसकी फिनिशिंग हो सके, ताकि हम जब इसकी नंबरिंग करें तो ये थोड़ा उभर के दिखे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हल्का सा इस तरह से थोड़ा सा कट जैसा लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, इस तरह का केक मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो मुझे भी यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, तो इस तरह से मैं यहाँ पे इसका जो डिटो पिक्चर, मैं इसको देख देख के इस तरह से इसका शेप दे रही हूँ। फ्रेंड्स, अब हम इसमें नंबरिंग लिखेंगे। नंबर लिखने के लिए मैंने एक बच्चों का जो स्केच पेन रहता है, मैंने इसे अच्छे से गर्म पानी से अच्छे से धो लिया था। अब जो खाने का जेल फूड है, उसी से मैं यहाँ पे पूरे नंबर को लिख के तैयार करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, इस तरह से नंबर लिख के तैयार कर लेंगे। अगर फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका जो जीरो साइज का ब्रश रहता है, पेंट ब्रश, उसका भी यूज कर सकते हैं।
और फ्रेंड्स जो यहाँ पे फॉन्डेंट के छोटे छोटे टुकड़े हैं मैं इसमें हैप्पी बर्थडे लिखकर तैयार कर लूँगी। फ्रेंड्स केक में हमने जो पेड़ को तैयार किया था उसमें हम छोटे छोटे रेड कलर के फ्लावर्स तैयार करेंगे। तो ये जो फ्लावर्स थे हार्ट शेप के थे, तो मैं यहाँ पे बीच बीच में यहाँ पे इस तरह से पाइपिंग बैग में रेड कलर क्रीम फिल करके इस तरह से डिज़ाइन तैयार करूँगी। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमने पेड़ में चारों तरफ रेड कलर के इस तरह से फ्लावर तैयार कर लिए और कितना सुंदर लग रहा है। फ्रेंड्स अब हम फॉन्डेंट को इसमें फिक्स करेंगे। तो मैंने फॉन्डेंट को तैयार करके एक एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख दिया था। अब मुझे फॉन्डेंट को जहाँ पे लगाना है वहाँ पे हम इसे फिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे एक गलती हो गई, मैंने कैलेंडर का ये जो शेप है मैंने अच्छे से देखा नहीं था और मैंने इस तरह से इसे शिफ्ट कर लिया जिससे कि ये कैलेंडर थोड़ा सा बड़ा हो गया। फ्रेंड जिसका बर्थडे था वो 21 को था, तो मैंने यहाँ पे 21 में थोड़ा सा हार्ट शेप का इस तरह से बना दिया। तो फ्रेंड्स आपको ये केक कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से हम केक के नए नए वीडियो लाते रहेंगे। फ्रेंड्स अब हम ये जो केक में हैप्पी बर्थडे का टैग भी नीचे लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, हैप्पी क्रिसमस।